नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, कल होगा वैलेंटाइंस डे। वैसे तो प्यार के लिए कोई भी दिन मायने नहीं रखता, प्यार कभी दिन डिसाइड करके नहीं किया जाता। फिर भी एक चलन है, एक प्रथा है जो शायद 94 से स्टार्ट हुई। लोगों ने स्पेसिफिक कर लिया है प्यार को, हालांकि प्यार को परिभाषित यानी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। फिर भी है तो है। देखिएगा इस पूरी वीडियो को, बताऊंगा आपके कल के राशिफल को, साथ ही कुछ आइडियाज दूंगा जिससे आपकी लव लाइफ जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी आपकी अब लव लाइफ। कुछ छोटे छोटे से अल्ट्रेशन जो आपको अपनी लाइफ में करने होंगे, वो अल्ट्रेशन आपको निश्चित ही आपकी लव लाइफ को काफ़ी बढ़िया बना देंगे। साथ ही साथ जो भी चीज़ें होंगी वो कन्या राशि के बाद होंगी और रोज की तरह आप उससे जुड़े रहेंगे। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा था कि 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ कुछ अपने पर्सनल काम के लिए। तो अगर वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ तो मेरा साथ छोड़ के मत जाइएगा। जैसे ही लौटूंगा अपने काम से, वैसे कोशिश करूँगा कि मोबाइल से आपको दे पाऊँ, जैसे ही लौटूंगा वहाँ से फिर से यथावत वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दूंगा। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं कल के दिन की। सबसे पहले मेष राशि के बारे में हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों का कल का दिन कैसा रहेगा। जनसंपर्क यानी कि सोशल जो नेटवर्किंग है आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है आपको आर्थिक मामलों पे, और कुछ मौसमी रोग भी आपको कल कुछ सता सकते हैं। हालांकि एंटरटेन रहेंगे, लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आज कुछ स्वास्थ्य मेरा खराब है तो बार बार बोलने में दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। वृषभ राशि की बात कर लूँ तो आर्थिक समस्याएं जो हैं कल दूर होंगी। निवेश में कुछ नई चीज़ें आप कर सकते हैं। देनदारी भी आपकी कल व्यवस्थित यानी कि हो सकती है, आपकी देनदारी आपकी कल मैनेज हो सकती है। मिथुन की बात करूँ तो रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या आती हुई कल दिखाई दे रही है। कुछ पुराने लोगों को समझाना कल हो सकता है कि कोई दिक्कत भरा हो जाए। हालांकि स्टूडेंट जो हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रहे हैं, उनके लिए काफ़ी दिन अच्छा कल रहेगा और उनको सफलता मिलने के योग भी कल दिखाई दे रहे हैं। कर्क की बात करूं तो पार्टनर से सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक धन प्राप्ति भी होती हुई कल दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाभ भी कल होता हुआ दिखाई देगा आपको, और बस ज़्यादा ज़्यादा किसी आर्गुमेंट्स में आप ना पड़े तो बेटर रहेगा। उच्च अधिकारियों का भी सहयोग कल आपको थोड़ा सा मिलेगा। वहीं अगर सिंह की बात करूँ तो कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कल हो सकती है। कुछ बड़े अधिकारियों का भी से भी आप कल मिल सकते हैं, उनका सहयोग भी आपको मिल सकता है। हालांकि प्रोफेशन की वजह से कल हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी बिजीनेस ज़्यादा रहे, आप हार्डवर्क ज़्यादा करें और अपनी भावनाओं पर आप संयम बना के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, धैर्य बना के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो थोड़ी सी थकान आप महसूस करेंगे। हालांकि जितनी भी समस्याएं आपकी चल रही हैं उनका समाधान कल होता हुआ दिखाई देगा। दोपहर में किसी मीटिंग पे आप जा सकते हैं, लेकिन संतान से संबंधित समस्याएं आपको कल हो सकती हैं। तो थोड़ी सी अब आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, और मेष से लेकर कन्या तक आपको बता दूंगा कि कौन से गिफ्ट आपको कल देने चाहिए, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे स्पेशली मेरा रहेगा। तो जैसे कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, आपकी लाइफ में से प्यार थोड़ा सा कम हो गया है, तो आप दाम्पत्य जीवन के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में अपने 2 गमले रख सकते हैं। वैलेंटाइन डे पे आप कुछ सुगंधित चीज़ें अपने पार्टनर को तोहफे में दे सकते हैं। और अगर आप कभी समुद्र, आपका घर अगर समुद्र किनारे है, तो आप बैठ के दोनों ध्यान मुद्रा में समुंदर की ओर एकटक होकर अगर आप देखेंगे तो उससे भी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। कमरे में हल्के रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जो लोग हैं उनको कैसे कैसे गिफ्ट आपको देने चाहिए। मेष राशि वालों को लाइफ में रोमांच काफ़ी पसंद होता है, घूमना फिरना अच्छा इन्हें लगता है, तो स्पोर्ट्स से जुड़ी चीज़ें, घड़ी इनको आप दे सकते हैं, और कहीं बाहर घूमने का प्लान भी इनके साथ आप बना सकते हैं। इससे रिश्ता जो होगा वो मजबूत होगा आपका। वृष राशि वालों को
महंगी फैशनेबल चीज़ें जो होती हैं काफ़ी पसंद होती हैं, तो इन्हें कोई लग्जरी चीज़ भी आप इन्हें कल दे सकते हैं, या इन्हें किसी अच्छे होटल में डेट पर भी आप ले जा सकते हैं। मिथुन राशि वालों को पढ़ना लिखना घूमना पसंद होता है, ट्रैवलिंग से जुड़ी बातें इन्हें काफ़ी पसंद होती हैं, तो इन्हें या तो आप किसी डेट पे ले जाइए या कोई अच्छी किताब इन्हें आप गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि वालों की अगर मैं बात कर लूँ तो इमोशनल होते हैं, तो इनके हाथों से इन्हें अपने हाथों से अगर कोई चीज़ बना के गिफ्ट करेंगे तो काफ़ी खुश रहेंगे और आपका प्यार जो है वो बढ़ेगा। सिंह राशि वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं राजाओं की तरह जीवन को व्यतीत करते हैं, इन्हें महंगे तोहफे लग्जरी से जुड़ी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं। वहीं कन्या की अगर बात कर लूँ तो ये जातक समझदार होते हैं, कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं समय का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन्हें घड़ी इत्यादि भी दे सकते हैं जो चीज़ें इनकी समय से रिलेटेड हों। चलिए अब हम तुला की बात कर लेते हैं। कन्या तक मैंने आपको बता दिया था, फिर तुला से लेके लास्ट मीन तक मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको इस तरह की जो मैं आजकल बना रहा हूँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको राशिफल ही ना दूँ, उसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको दूँ। तो प्रेम के मामले में कल तुला राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके हक में रहेंगी और मनोरंजन के साधनों में भी वृद्धि कल होती हुई दिखाई देगी। वहीं वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, संबंधियों से लाभ का योग दिखाई देगा, किसी सामाजिक समारोह में भी आप हिस्सा लेंगे, सोशल वर्क में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। वहीं अगर मैं धनु की बात करूं तो बिजनेस डील में थोड़ी बहुत आपको हार्डवर्क कल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, मन चाहे पार्टनर के साथ कल आप घूमने भी जा सकते हैं और निजी संबंधों में भी प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है, कोई ऐसा वादा ना करें जिससे आप निभा ना पाएं। वहीं मकर की अगर बात करूं तो नई कोई विचारधारा आपकी बन सकती है, सामाजिक साहित्य में रुचि आपकी बढ़ सकती है, थोड़े से हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम कल दिखा रही है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं कुंभ की अगर बात करूं तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड को अगर कल त्याग दें तो बेटर रहेगा, नहीं तो कल आर्थिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा सा रहेगा प्रभावित, तो उसके लिए मैं कहूँगा आपको कि डॉक्टर के पास चले जाएं और पार्टनर का भी सहयोग आपको कल मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं मीन राशि की बात करूँ तो व्यापारियों से भागीदारी में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, दाम्पत्य जीवन में निकटता आती हुई दिखाई देगी, कोई भेंट भी आपको कल उनसे मिल सकती है और रोमांस के लिए तो क्या कहूँ, कल का दिन बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए मैंने तो कन्या राशि तक आपको बता दिया था कि वैलेंटाइन डे पे कौन सी राशि को क्या क्या गिफ्ट आप दे सकते हैं, उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तुला राशि वाले जो होते हैं तोल मोल कर बोलते हैं, तो इन्हें पर्स वॉच परफ्यूम या कोई गैजेट देना ज़्यादा बेटर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं थोड़े खुफियापंती वाले लोग होते हैं, तो इनको कोई मिस्ट्री नॉवल भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं धनु राशि वालों के लिए बात करूं तो रोमांटिक भी होते हैं, रोमांचक भी होते हैं और हंसमुख किस्म के होते हैं, तो इनके साथ आप उनको फूल दे सकते हैं, कोई स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में इनको खाना खिला सकते हैं, तो आपका जो वक्त है वो काफ़ी अच्छा बीतेगा। मकर राशि वालों को प्राचीन वस्तुओं से लगाव होता है, इसलिए इन्हें एंटीक चीज़ें गिफ्ट करी जा सकती हैं। कुंभ राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े गैजेट्स आप इन्हें दे सकते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर अगर आप किसी पुरुष को दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं। वहीं मीन राशि की बात करूं तो रोमांटिक किस्म के होते हैं और इन्हें जो होता है खास चीज़ों से कोई इनकी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती, तो इन्हें बहुत सोच समझ के कोई गिफ्ट दीजिएगा और इन्हें आप कुछ भी दें वैसे तो ये अगर आप उन्हें सच्चे दिल से दे रहे हैं तो वो इनको पसंद ही करेंगे, आपको कोई बुरा नहीं मानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो तरीका है मेरा वीडियो देने का आपको रोज का, ये आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है यार तो लाइक वाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो वीडियो को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। जल्दी से मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर करते हैं और जैसे जैसे एक आप लोग मेरा साथ दोगे, आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा सबका फ़ायदा। और अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं ना, चाहे वो बामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप उन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल दिल्ली जा रहा हूँ कुछ अपने पारिवारिक कार्य कारणों से, तो हो सकता है 1-2 दिन आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन जैसे ही वापस लौटूंगा मुलाकात आपसे फिर से होगी और फिर से बहुत होगी। कोशिश करूंगा कि पहली बार, या वैसे भी मैंने पहले 1-2 बार वीडियो बनाए थे मोबाइल से, लेकिन मज़ा नहीं आता मुझे मोबाइल से काम करने में, फिर भी चलिए आप लोगों के लिए ट्राई करूँगा कि मोबाइल से वीडियो बना पाऊँ और आपको दे पाऊँ। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे, कोशिश करते हैं आपसे कल मिल पाएँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार का दिन आपको मुबारक हो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, थैंक यू।